नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के विशेष कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी करारी हार क्यों हुई? चार महीने में ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई? क्या वजह रही कि चार महीने पहले जहां पर हजारों मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे थे, उन्हीं क्षेत्रों में लाखों मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा यदि कांग्रेस चाहती है कि उसका पुनर्जीवन हो, उसका पुनरुत्थार हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपनी असफलताओं को ना देखते हुए सामने वाले की सफलता को श्रेय देने लग जाएं तो कई बार मीमांसा करने में, आत्मावलोकन करने में, आत्म आलोचना और आत्मविवेचन करने में चूक हो जाती है। कांग्रेस से यही हो रहा है। हमने इस कार्यक्रम में दो कांग्रेस नेताओं को बुलाया है, संतोष गौतम जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और नीरव शुक्ला जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है क्योंकि उन्हें क्या पड़ी कांग्रेस की हार के कारणों की खोज करने की। जैसी स्थिति है उसमें तो भाजपा का खुश होना बहुत लाजमी है, होना भी चाहिए। इसलिए हमने एक बेबाक विश्लेषण करने के लिए, ईमानदार मीमांसा करने के लिए, विशुद्ध चिंतन करने के लिए दो कांग्रेस के नेताओं को बुलाया है जो पढ़ने लिखने वालों की छवि रखते हैं, सत्य बोलने में विश्वास रखते हैं और थोड़े से बोलने में आउट स्पोकन यानी बेबाक हैं। दोनों का आपका स्वागत है। संतोष गौतम साहब, पांच महीने पहले चुनाव हुए, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से आपने 114 सीटों पर विजय प्राप्त की। पांच महीने बाद चुनाव हुए लोकसभा के, आप मध्य प्रदेश की 230 में से 211 सीटों पर हार गए। आपके जो 114 विधायक जीत कर आए उसमें से भी 95 सीटों पर आप चुनाव हार गए। क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम बहुत नैतिक ईमानदार चिंतन करना चाहते हैं। मत कहिए कि राष्ट्र प्रेम की धारा चल रही थी और राष्ट्रधर्म था और नरेंद्र मोदी ने माहौल ऐसा बना दिया था, सेना, ये सब तो उनको करना ही चाहिए। वो राजनीति में आए नरेंद्र मोदी, कोई समाज कल्याण करने तो आए नहीं। चुनाव लड़ना है तो चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। उन्होंने जो भी किया वो करा। आप कहाँ चूक गए, कांग्रेस कहाँ चूक गई? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस संगठन में निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। हम क्यों पीछे रह गए, इस पर हमें गंभीर चिंतन करना ही होगा। अगर हम इस मुद्दे पर पलायन करना चाहेंगे तो हमारे भविष्य के लिए और भी घातक होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस में एक ईमानदार आत्ममंथन, एक गहरी मीमांसा होना चाहिए हर चीज़ की, कि क्यों हम पीछे रह गए। अभी पाँच महीने पहले जब हम इतने लोकप्रिय थे कि हमने 15 साल पुराने जंगलराज को उखाड़ फेंका और हमने यहाँ पर सरकार बनाई, तो ऐसे कौन से कारण बने कि हम पाँच महीने बाद यहाँ पर बुरी तरह से हारे हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इस मामले में अतिशीघ्र कांग्रेस को बड़े निर्णय लेने होंगे और बड़ी बैठकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदार चिंतन करना होगा। लेकिन अभी आपने कहा कि कांग्रेस ये नहीं कहे कि वो राष्ट्र प्रेम की धारा चल रही थी और ये इसके कारण आप हार गए, तो ये तो एक बड़ा कारण था ही। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दिसंबर में जब हमारी सरकार बनी तब तक पुलवामा का हमला नहीं हुआ था। सर, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। अगर राष्ट्र प्रेम की धारा चल रही थी, राष्ट्रधर्म की धारा चल रही थी, तो आप खुद इस धारा में क्यों नहीं बह पाए? आपने खुद ने उस धारा में अपने आप को शामिल क्यों नहीं किया? राष्ट्र तो आपका भी है। मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं। यस, यही मेरा पॉइंट है। मैं यही कह रहा हूं। यही मेरा पॉइंट नहीं, लेकिन सरकार में हम नहीं थे तो जिनकी सरकार थी उनको ये मौका मिला, उनको ये मौका मिला कि वो अपने आप को बताएं कि हम अधिक राष्ट्रवादी। हमारे पास क्या चारा था? हमने तो कोई विरोध किया नहीं। आप करने लगे थे ना? नहीं, आपने कहा लाशें बताओ। नहीं, आपने कहा लाशें बताओ। सर, ये आपके नेताओं के स्टेटमेंट है। आपने कहा बालाकोट में लाशें बताओ, संख्या बताओ। ये कांग्रेस पार्टी के किसी आपके बड़े नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा, सिद्धू ने कहा? नहीं, सिद्धू हमारे प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस के आपके मंत्री हैं। संतोष जी, फिर आऊंगा आप, संतोष जी, फिर आप शत्रुघ्न बन रहे हैं।
आप रेत में मुंह घुसा रहे हैं कि आकर प्रतीक जी, मैं एक बात कहूंगा उसमें आपकी बात क्लियर हो जाएगी। जब साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को ये कहा कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया और वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं माना गया, लेकिन सिद्धू का बयान हमारा अधिकृत बयान हो जाता सिद्धू है। ने कहा इस, नहीं तो मैं ये वही कह रहा हूँ, मीडिया ने प्रज्ञा ने भी कहा, मीडिया ने तब भी भाजपा पे हमला किया, साध्वी प्रज्ञा ने जब मीडिया ने तब भी भाजपा पर हमला किया, मीडिया ने थोड़ी छोड़ा। नहीं मैं मेरा ये कहने का मतलब आपके और भाजपा में क्या अंतर है, भाजपा ने साध्वी से पल्ला झाड़ा, आप सिद्धू से पल्ला झाड़ा। मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का कोई अधिकृत बयान नहीं दिया। हाँ आप जो कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं कि अगर सिद्धू या अन्य लोगों ने कुछ इस तरह से बयान दिए हैं तो उसका नुकसान भी हमें निश्चित ही हुआ है। सिद्धू ने कहा कि भारतीय वायुसेना वहां तो कोई रहता ही नहीं था, भारतीय वायुसेना वहां पेड़ पत्तों पर डालियों पर बम बरसा कर आई है, ये भारतीय वायुसेना का अपमान है जो कांग्रेस नेता ने किया, इसकी सजा है आपको जो मिली है। नहीं तो मैं कहां इनकार कर रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है और उससे देश की भावनाएं आहत हुई तो हो सकता है उसका भी कुछ परिणाम रहा हो, क्योंकि बीबीसी या अन्य जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया थी उसकी कुछ रिपोर्टें ऐसी थी जिनके आधार पर सिद्धू ने कहा होगा। लेकिन हाँ उस समय कांग्रेस पार्टी मोटे तौर पर देश के साथ थी, राष्ट्र के साथ थी, सेना के साथ थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा था। सर आप बीबीसी में विश्वास करते हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। आप स्विट्जरलैंड पर विश्वास करते हैं, आप पाकिस्तान पर विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीय सेना का अध्यक्ष धरोआ साहब ये कहते हैं कि हमने अपने टारगेट को अचीव किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहां विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं, मैंने कहा कि सिद्धू ने जिस आधार पर कहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने यही कहना था कि राष्ट्र धर्म की अगर बयार भे रही थी तो कांग्रेस उस बयार में खुद शामिल क्यों नहीं हुई? कांग्रेस तो पूरी तरह से शामिल थी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के बयान सुने होंगे, उन्होंने कहा था इस मौके पर कोई राजनीति नहीं होगी, पूरा देश आंकड़े मांगने लग गए, कितने मारे बताओ, लाशें दिखाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आंकड़े मांगने का सवाल नहीं है। क्या होता है कि एक हमारा जो वो था विंग कमांडर वो पकड़ा गया और पूरी दुनिया ने, पूरे देश के मीडिया ने देखा, दुनिया के मीडिया ने देखा, तो अगर किसी उसने नेता ने अगर ये बात कही है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता ने उसको दिखाया कि कितनी लाशें पाकिस्तान में गई, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी भी आप लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, हमने उस समय, हमने उस, देखिए प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है, हम विपक्ष हैं, लेकिन उस समय संदेह खड़ा कर रहे थे। जब उस समय यह मामला हुआ था कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई अधिकृत बयान इस तरह का नहीं दिया था और पूरा का पूरा देश और पूरी कांग्रेस भी सेना के साथ खड़ी थी, देश के साथ खड़ी थी। नीलाभ शुक्ला क्या कारण है, आप ईमानदार कारण बताए क्यों हार गए आप? 5 महीने में 4 महीने में कोई सरकार इतनी अलोकप्रिय हो जाए ऐसा मैंने कभी राजनीति के इतिहास में नहीं देखा कि 4 महीने में कोई राज्य की सरकार इतनी अलोकप्रिय हो जाए। सबसे बड़ी बात तो जनादेश का सम्मान है, जनता का देश का सम्मान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आपकी बात को मैं फिर कहूँगा, आपने कहा सेना की बात न करें, लेकिन सत्य में हुआ ही यह है, कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ी है और आगे भी लड़ेगी और पहले भी लड़ती आई है, रोटी रोजगार की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, किसानों की बात करी, महिला की बात करी, और हमें इस बात की खुशी है कि हमने कभी भी कोई ऐसे वैकल्पिक मुद्दे नहीं लेकर आए, जो जनता के मुद्दे थे हमने उस पर चुनाव लड़ा और आगे भविष्य में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। उसी पर आ रहा हूँ, मोदी सरकार की 5 साल में, मोदी सरकार की 5 साल में ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं थी, बजाय बड़ी बड़ी विफल, मेरी बात आत्मबंधन ही कर रहा हूँ, आत्मबंधन ही कर रहा हूँ, सफलता जनता मानती है, सफल रही है, आपका कारण बता रहा हूँ। देखिए सीट बढ़ गई उनकी सर, 282-303। देखिए ये हमेशा प्रतीक और सिंबल की राजनीति करते हैं, मेरी बात को आप ध्यान सुनिएगा, पहले इन्होंने करी थी राम भगवान के ऊपर राजनीति, तब भी जनता इनके पीछे आई, बात सुनिए, अब ये सेना के, मैं बात वही बता रहा हूं, ये प्रतीक और सिंबल की राजनीति करते हैं, पहले राम भगवान की राजनीति की, कांग्रेस कभी भी नहीं करेगी, कांग्रेस भविष्य में भी वही करेगी, जनता की बात करेगी, गरीबी की बात करेगी, रोटी रोजगार की बात करेगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी, किसानों की बात करेगी। प्रतीक जी मेरी कांग्रेस आजादी के बाद सर्वाधिक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस ही रही है, गरीबी हट गई, बेरोजगारी हट गई, बिल्कुल कमी आई है, आप देखिए ना आजादी के समय प्रतिशत क्या था, अभी प्रतिशत क्या है। चलिए आप इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहिए और ऐसे ही हारते रहिए। नहीं नहीं आप चाहते हैं, मेरी प्रदीप भाई मेरी बात, आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कांग्रेस चुनाव लड़े या एक राष्ट्रवाद का माहौल क्रिएट करे चुनाव लड़े, ये सेना के शौर्य को अपना शौर्य, इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव जीतने का, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रवाद के मामले 1971 में नहीं, 1 साल पहले चुनाव, अभी भी सेना का शौर्य इंदिरा गांधी इस्तेमाल नहीं करा, आप बिल्कुल किया, और 1 साल पहले चुनाव करवाए युद्ध की सफलता लेने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं नीलाभ शुक्ला, उनने क्या किया उसको छोड़िए, आपसे कहां चूक हुई वो बताइए,
नहीं, हमसे तो ये चूक हुई कि हम उतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने हमारे सामने खुद कहा था कि वो गांधी परिवार, और वो गांधी परिवार के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी एक उद्योगपति के पास गई कि हमारी चुनाव में थोड़ी फंडिंग कीजिए, थोड़ी हमको मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस की रीति नीति से बहुत प्रभावित रहा हूं और मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होती, लेकिन हम जैसे ही आपकी मदद करने जाएंगे और 5 लाख रुपए का भी यदि आपको चंदा देंगे तो कल ही हमारे वहां ईडी की रेड पड़ेगी, कल ही हमारे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पैसे में, इवेंट मैनेजमेंट में और उद्योगपतियों द्वारा फंडिंग करे हुए कॉर्पोरेट के पैसे में बहुत पीछे रह गई। हम मानते हैं, हम अपनी रीति नीति सिद्धांतों को, जो हमारी न्याय योजना थी, जो हमारी मनरेगा योजना थी, जो हमने कहा था कि शिक्षा का 6% जीडीपी का खर्च करेंगे शिक्षा पर, इन सारी बातों को हम उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए जनता के बीच। संतोष गौतम साहब, मुझे कहना पड़ेगा कि आप अभी भी ईमानदार कोशिश नहीं, हम ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ईमानदार कोशिश आपके नेता राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया, केवल अपने बेटे को जिताने में लगे रहे और बाकी के सारे उम्मीदवार का पर ध्यान नहीं दिया, हार गए। ये ईमानदार कोशिश है? नहीं, तो आप लोग नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम आप अभी भी कह रहे हैं चंदा नहीं, 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 नहीं। कांग्रेस को पैसे की कमी है, वो बिल्कुल कमी है। 60 साल से आप देश में शासन कर रहे हो, आपको पैसे की कमी है? मैं आपको नेता का नाम लेता हूँ जिन्होंने ये बात कही है, उन्होंने सैम पित्रोदा जी ने स्वयं कहा था, और जो कि स्वयं गांधी परिवार के इतने करीबी, और उन्होंने कहा था कि अच्छा, वो सैम पित्रोदा हुआ सो हुआ वाले? नहीं नहीं, आप देखिए उसको, मुद्दे को भटकाइए मत। आप अभी बात चल रही पैसे की, फंडिंग की बात चल रही है, तो और इवेंट मैनेजमेंट की, ये देश के पहले प्रधानमंत्री जो रेड कार्पेट पर चढ़ के भगवान जी को दर्शन देने गए थे, तो इस तरीके का जब इवेंट मैनेजमेंट, और जब बार बार दूरदर्शन पे, टीवी पे, हर चैनल पे वही दिखेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका जनमानस पे बहुत फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत पीछे रह गई। लेकिन चलिए, ये सवाल जो राहुल जी ने उठाया, राहुल जी ने कौन सा सवाल उठाया? सवाल उठाया उन्होंने कि बड़े नेता अपने बेटों को टिकट दिलवाने के लिए लड़े रहे। नहीं, मैंने कहा ना, ठीक है ना, राहुल जी ने अगर सवाल उठाया है तो ये अकेला मुद्दा नहीं है, ऐसे और भी मुद्दे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी इन पर आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी, इसमें कहां मना कर रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो ये मानना ही पड़ेगा कि इस गंभीर पराजय के गंभीर कारण क्या है, इनके पीछे तो जाना ही पड़ेगा, कारण खोजने होंगे और खोजना चाहिए। नीलम शुक्ला, कर्ज माफी का बहुत शोर हुआ, आपने कहा हमने 21 लाखों की सूची दे दी, हम फाइलें ले गए, ट्रक में ले गए, शिवराज को दिया ही ले, गांव के किसान ने नहीं माना। देखिए, सब किसानों ने माना, इसका एक भ्रामक प्रचार सर, वोट ही नहीं दिया किसान ने, भ्रामक प्रचार हुआ इसका। आप देखिए उदाहरण इंदौर का लीजिए, तुलसी सिलावट 2900 वोटों से जीते, 67,000 से हार गए, 9,000 वोटों से देपाल, 9,000 वोटों से देपालपुर में, विशाल पटेल देपालपुर में 9,000 वोटों से जीते, 60 से हार गए। जीतू पटवारी जी 5,700 वोटों से जीते, राऊ के अंदर 80 से हार गए। प्रतीक जी, उसमें क्या हुआ कि जो 21 लाख किसानों के हमने कर्ज माफी की वो तो प्रमाण है, और जिसके प्रमाण हमने पेश किए, लेकिन उसमें ये भी बात सत्य थी कि बाकी के जो लगभग 29 लाख किसान बचे हुए थे उनकी कर्ज माफी अभी नहीं हो पाई थी, जो कि कमलनाथ जी ने स्वयं कहा था कि 21 लाख की कर्ज माफी हुई है तो बाकी की कर्ज माफी चुनाव के बाद होगी, लेकिन उनको जिनको नहीं मिले थे उनको आगे करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रामक प्रचार किया, खासकर शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा ने, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसको मानने में कोई गुंज नहीं है। मैं 23 लोकसभा सीटों पर गया, मुझसे किसान कहते थे कि साहब मेरे पास ये प्रमाण पत्र तो आ गया कि आपकी कर्ज माफी कर दी गई है, लेकिन बैंक ने मुझे नोड्यूस सर्टिफिकेट नहीं दिया, और बैंक से मुझे अभी फोन आते हैं कि तेरे पैसे जमा कर। प्रतीक जी, जिन 21 लाख किसानों की बात मैं कर रहा हूं, उन 21 लाख किसानों को नोड्यूस प्रमाण पत्र जारी हो चुके थे बैंक से, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि जो 25 लाख में से 4 लाख किसान रहे हों उनमें से कुछ किसान आपको मिले हो जिन्होंने बात कही हो, क्योंकि 21 लाख किसानों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र बैंक द्वारा जारी कर दिए गए थे, ये मैं दावे के साथ। वो वोट कहां है? वो वोट कहां है? नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर वो नहीं, वो वोट सर आप किसी के, तो कांग्रेस को कुछ वोट ही नहीं मिलेगा, कांग्रेस को भी वोट मिले हैं तो वो वोट उसमें से काउंट होंगे ना, और कहां होंगे 21 लाख किसान हो गए, मतलब कांग्रेस को बिल्कुल वोट ही नहीं मिला। जो सीट आप वोट मिले, जो सीट आप 9,000 से जीते वो 80,000 से हार गए, 5,000 से जो सीट जीते 80 से हार गए, मेरे ये कहने तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि वो वोट नहीं मिले। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो मिले वोट हैं उनमें वो संख्या शामिल नहीं थी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिससे असंतोष फैलाया गया कि बाकी किसानों को नहीं मिला है और उसके कारण जो असंतोष फैला उसका एक दुष्परिणाम हो सकता है कि हम इतनी सीटें हारे हैं। तबादला कर्मचारियों की बात हम करते हैं, सरकारी कर्मचारियों का आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छिंदवाड़ा को छोड़ दीजिए, तो 28 सीटों पर जो सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाला है, जिसको आप डाक मतपत्र कहते हैं, 28 सीटों पर डाक मतपत्र भाजपा के पक्ष में है सरकारी कर्मचारियों का, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो सुबह शाम दोपहर आप तीन टाइम में तीन सत्रों में तबादले करते थे, सुबह किया दोपहर में रद्द कर दिया, शाम को फिर कहीं और कर दिया, इसके नीलम शुक्ला जी, जी, जी। इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया। ये एक सरकार बनती प्रक्रिया का हिस्सा होता तबादला, जो वर्षों से अपने पदों पर जमे हुए थे उनको अलग अलग जगह शफलिंग किया गया उनके कार्य के हिसाब से,
ये तबादला उद्योग नाम भी भाजपा का दिया हुआ है। सही जगह सही जगह पे पहुंचाया जाए, लेकिन भाजपा ने उसको तबादला उद्योग नाम देके इसको भरकस रूप से बदनाम करने का प्रयास किया गया, जबकि एक सिस्टम भाजपा से आप ये उम्मीद करते हो कि आपकी तारीफ करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो लोगों को भरमाएगी, लोगों को वही हो रहा। अब आप सही बात बोले हैं आप कि अब ये भरमाएगी तो तबादला उद्योग उसकी काट क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं बता पा रहे हो कि भाजपा जो है वो झूठ बोल रही है। कभी भी इस तरह की स्तर की राजनीति नहीं करती, वर्षों से शासन किया कांग्रेस ने, 10 दिन में 103 आईएएस ऑफिसर के कांग्रेस ने कभी भी ऐसी छदम राजनीति 10 दिन में 103 आईएएस ऑफिसर कांग्रेस मुद्दों पे लड़ी है और हमेशा आगे भी उसी मुद्दों पे लड़ेगी। पतिक भाई बताऊंगा आपको, इसी मुद्दों पे लड़के कांग्रेस एक बार फिर शासन करेगी। मिलाप शुक्ला, जिस महिला को आप आतंकवादी कह रहे थे, जिस महिला को आप गोडसे की विचारधारा की कह रहे थे, जिस महिला को आप ये कह रहे थे कि वो मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी है और वो जो है वो हिंदू आतंकवादी है, जो भी है, उस महिला के बारे में जो भी प्रचार पढ़े लिखे नहीं समझ पाते, गांव वाले धारा में भेजाते, लेकिन वो बूथ चार इमली का जो आईएएस आईपीएस का बूथ माना जाता है, वहां आप कांग्रेस हार गई, इसको क्या कहेंगे? प्रदीप भाई मैं बताऊं आपको, ये चुनाव 2014 का चुनाव हुआ था, वो एक इवेंट ही था, एक माहौल बनाया गया था, माहौल बनाया गया था कांग्रेस के स्कैम का, उससे बड़ा इवेंट बनाया गया, इसमें सेना का शौर्य लिया गया है, कोई रोजी रोजी रोजगार बात नहीं करी गई, नोटबंदी की विफलता, चुनाव हारने की लड़ रहे विफलता थी। देखिए मैंने आपको संतोष गौतम, आप चुनाव ही कहा है, मैंने आपको हारने की लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर कांग्रेस कभी इवेंट नहीं बनाया। सबसे पहले बोला कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस गांधी जी की पार्टी, गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, नेहरू जी के आदर्श चलने पर, कभी भी कांग्रेस झूठा इवेंट बना के गुमराह करके छदम माहौल बना के कांग्रेस कभी भी प्रियंका जी ने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेगी। प्रियंका जी ने ये कहा, प्रियंका जी ने कहा कि जब मेरा भाई मोदी के खिलाफ अकेला लड़ रहा था तब आप लोग सब कहां थे, ये प्रियंका जी ने पूछा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि जब मेरा भाई अकेला लड़ रहा था राफेल को ऊपर जब मुद्दे पे बोल रहा था तब सब आप लोग कहां थे। नहीं तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर प्रियंका जी ने ये बात उठाई है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी को गंभीर चिंतन करने होंगे, अपनी रीति नीति और सारे जो क्रियाकलाप है उनके बारे में पुनर्विचार करना होगा कि क्या हमको नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है या हम किस प्रकार अपने मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं जिससे हम जनता तक और बेहतर कनेक्टिविटी बना सकें। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमको ईमानदार चिंतन करना होगा, मैं तो कहता हूं कि हमें इस पर भी पुनर्विचार करना होगा कि हमें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया को फिर से बहाल करना या चुनाव की प्रक्रिया खत्म करना होगा, मैं तो कह रहा हूं। तो हमेशा से ये जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो मंथन होता है और मैं समझता हूं कि इस बार जो चुनाव में हमारी पराजय हुई है सबसे गंभीर जिसको कहते हैं वास्तविक चिंता की आवश्यकता है। क्या ये नियम बनना चाहिए कि भाई जो मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा नेता है, मंत्री है, उसके उसको कहा जाए कि तुम पार्टी को जिताओ, अपने बेटे बेटे टिकट मत मांगो, ये नियम बनना चाहिए? देखिए मैं ये कहता हूं कि ये सारे जो विषय हैं ये बड़े लेवल के विषय हैं, कार्य समिति के विषय। आप छोटे छोटे कार्यकर्ता है, मैं मान लेता हूं बूथ लेवल के कार्यकर्ता, आप क्या सोचते हैं? छोड़िए बड़े नेता क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? अंतरात्मा से बोलिए, दिल से बोलिए। नहीं मैं अंतरात्मा से अपनी एक ही बात कहूंगा कि इस पर सभी को पार्टी के प्रति जितना चिंतन या जितने चिंतित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी थे उतना ही चिंतित सबको होना चाहिए। बंद होना चाहिए बेटे बेटियों को टिकट मिलना? नहीं मैं ये कहूंगा कि नहीं, वंशवाद की बात मत कीजिए, वंशवाद तो सब जगह फैला हुआ है। यदि कोई भाई आप पद पर हो ना, हाँ आप अभी पद पर हो जी, आप अभी मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, आप अभी अपने बेटे की टिकट मत मांगिए। नहीं देखिए क्या आप अभी पार्टी को जिताइए। आप जिन संदर्भ में बात कर रहे हैं मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी सीट पर हमारा जीतने योग्य प्रत्याशी अगर किसी मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा हो तो मैं नहीं समझता कि उसके टिकट में कोई रोड़ा अटकाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सभी बातों पर एक विचार मंथन होना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें से क्या निकल कर आता है और एक सामूहिक फैसला सब बड़े नेताओं को मिलकर लेना पड़ेगा। इसमें नीलाभ शुक्ला, ये जो लगातार मतलब मध्य प्रदेश में आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतनी जल्दी कोई सरकार से लोगों का मोह भंग हो जाए, इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इस पर क्या सोचते हैं? सरकार से मोह भंग नहीं हो, मैं आपको फिर बार बार की बात, आप सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, समस्या सुनना नहीं चाहते। सरकार से मोह भंग नहीं हुआ है ना, सरकार की रीति नीति से मोह भंग हुआ, जो चुनाव के समय इवेंट क्रिएट किया गया था ये उससे एकदम वातावरण चेंज हुआ। मैं फिर आपको फिर कह रहा हूँ इस बात को, ये बात जनता भी जान रही है कि ये हमेशा सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। तो इवेंट कंपनियों के मैनेजर्स मंत्री और मुख्यमंत्री होते, इवेंट्स करने का चुनाव नहीं जाते। पर ऐसी क्रीम भी है जिससे आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, आज तक बिक रही है, तो
ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे सब होता है। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको कहूँ कि अभी आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने ऊपर आत्मचिंतन क्यों नहीं करती, तो मैं बार बार तीन चार बार रिपीट कर चुका हूँ, कांग्रेस इसमें आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी। लेकिन हाँ, जो घटनाक्रम हुए वो कब हुए आपको मालूम है? जब कांग्रेस की सरकार यहाँ दिसंबर में बनी, पुलवामा उसके बाद हुआ। तो इसके बाद में जब उन्होंने पुलवामा के कंधे पर रखकर जिस तरीके से तीर चलाना शुरू किया मोदी जी ने, उससे देश का जनमानस बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। और केवल मध्य प्रदेश की जब आप बात कर रहे हैं, तो उसको पूरे देश के परिदृश्य में देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है, राजस्थान में क्या परिणाम हुआ, गुजरात में परिणाम हुआ। तो मध्य प्रदेश को आप मध्य प्रदेश सरकार की विफलता के रूप में मत देखिए, मध्य प्रदेश के परिणामों को, इसको ओवरऑल पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि किस तरीके से परिणाम आए। क्या बाकी कहीं कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है क्या? तो कांग्रेस की ओवरऑल जो स्थिति हुई है, उस पे हमको एक सामूहिक तौर पर चिंतन करना होगा। केवल मध्य प्रदेश सरकार, किस राज्यों में आपका खाता नहीं खुला, तो बिल्कुल ये मान रहे हैं ना, हम कहां मना कर रहे हैं, जो तथ्य है वो तथ्य है। लेकिन केवल मध्य प्रदेश सरकार की विफलता नहीं मानेंगे आप, उसको ये मानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने में जो काम किए वाकई में जनहितैषी काम है, और 15 साल के जंगल राज को हमने खत्म किया। पर आप पूरे मध्य प्रदेश, आप पूरे देश में, आप बहुत सारे लोगों ने कहा CVWC में, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि साहब आप अपनी टीम में नए लड़कों को शामिल करिए, उसमें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक समझ वालों को तो करिए। क्या राहुल गांधी की टीम राजनीतिक समझ वाली टीम नहीं थी? नहीं, देखिए ये मैं मानता हूँ कि सभी का सम्मिश्रण होना चाहिए, और मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि वहाँ अनुभवी लोगों की कमी है। वहाँ पर अहमद पटेल साहब है, मोतीलाल वोरा जी, कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं और जो अपना मार्गदर्शन और अपनी जो राय है वो कांग्रेस पार्टी को देते हैं। उनका मानना था कि मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने से नकारात्मक छवि बनी कांग्रेस की, और इसलिए लोगों ने पसंद नहीं किया। देखिए अब मोदी जी को बार बार ये कहा जाता है कि मोदी पर हमले नहीं करना चाहिए था, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, इसे देश नहीं जानता है क्या? लेकिन ये देश ने जानते हुए भी उनको वोट दिए, तो ये बड़ा इवेंट मैनेजमेंट था। नीलाभ भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि जो कॉर्पोरेट के पैसे से जिनको उन्होंने फायदा पहुंचाया है, और ये तो पूरा देश और दुनिया जानती है कि कॉर्पोरेट को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, उन कॉर्पोरेट ने उसके लिए पैसा लगाया है। पहले भी चुनाव हुए थे तो राम भगवान जी, मैं आपको वैश्विक संदर्भ में, सेना का शोर और सेना बनाम कांग्रेस, ये भाजपा से चुनाव नहीं हुआ। जी मैं आपको वैश्विक संदर्भ में एक बात समझा देना चाहता हूँ। हिटलर का जो एक मंत्री था, हिटलर के एक मंत्री ने गोएबल्स भी नहीं एक और मंत्री था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसने एक बार पत्र लिखा था उद्योगपति को, एक उस पत्र में ये उल्लेख था कि हम लोग कभी कभी आपके सामने ये भी कहेंगे कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन उसको सच्चाई मत मानना, हमको चुनाव जीतने के लिए ये सब जुमले फेंकना पड़ते हैं। ये उस समय कही थी जर्मनी में बात, और उसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने जो गरीबी, प्रतीक जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बात का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ कि तब उस समय क्या हुआ, तो जर्मनी में हिटलर भी उतनी अपार लोकप्रियता के रथ पर सवार था जितने आज मोदी जी सवार हैं, मुसोलिनी इटली में उतनी लोकप्रियता के रथ पर सवार था, इदी अमीन युगांडा में उतनी लोकप्रियता के रथ पर सवार था जितने कि आज मोदी जी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाद में वो सच साबित नहीं हुए, बाद में उनके गुनाह कोई धुल नहीं गए लोकप्रियता की लहर पर सवार, उनका परिणाम क्या हुआ मुझसे बेहतर आप जानते हैं। देखा है भविष्य किसको मालूम ना आपको, ठीक है ना, नहीं भविष्य मालूम, भविष्यवक्ता नहीं, बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन तानाशाहों का हश्र जो आज तक आया उनको बताना भी आवश्यक है, ये बताना पड़ेगा। तानाशाहों के लिए आप अंतरराष्ट्रीय उदाहरण क्यों दे रहे हो? इंदिरा गांधी ने तानाशाही की 1975 में 77 में हार गई, तो हारी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, परिणाम तानाशाहों के लिए अंतरराष्ट्रीय उदाहरण की जरूरत क्या है? ठीक है, अभी आपकी पार्टी अभी उदाहरण है, अभी इनकी तानाशाही का चरम नहीं आया, अभी नोटबंदी और GST से त्राई त्राई करने के बाद जनता को एक तात्कालिक इवेंट के अंदर भरमा कर ये सत्ता जरूर ले आए हैं, लेकिन जनता देर सवेर इस बात का एहसास करेगी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कोई भी 5 ऐसे काम बताएं जिसे जनता ने वोट देना चाहिए था। ये प्रश्न आज आप प्रासंगिक हो गया, बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया, मैं ये कह रहा हूं, मेरी जिज्ञासा है, बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया, कुछ भी नहीं किया, नहीं आपकी जिज्ञासा, आपका सवाल आपके ऊपर, यार मैं कोई कोई काम नहीं किया, ऐसे बताएं जनता ने उस काम से, उसके बाद जनता क्यों, जनता खुश हो गया, यही इस देश की विडंबना, यही इस देश की विडंबना है, काम बताएं कि जिससे जनता खुश हो गई। नीला भाई साहब नहीं किया, नीला भाई, नीला भाई मैं वही कह रहा हूं, आपकी बात पे पति भाई आ रहा हूं, तो ये बताएं 5 ऐसे कोई से काम नहीं किया, मैं बता रहा हूं, नीला जी एक मिनट, मैं यही कह रहा हूं प्रतीक जी, आप भी इस बात से सहमत हैं कि उनके पास विकास के मुद्दे नहीं थे, लेकिन हाँ जनता ने फिर भी उनको जिता दिया, तो ये होता है, तात्कालिक प्रतिक्रियाएं कई देशों में इसके पहले भी होती आई हैं। आप इसके पहले भी उदाहरण देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि तात्कालिक कारणों से उस देश में जीत मिली और जिसके जिसका भुगतना पड़ा नतीजा जनता को बाद में। तो मैं कहता हूं कि नोटबंदी GST का उन्होंने जिक्र नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा मास्टर फेल्योर है, जिसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे वो उनका मास्टर फेल्योर था, इसलिए उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। NSSO की रिपोर्ट करते ना, हमने तो
किया, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि जनता ने माना नहीं। हम नहीं, हम एक बड़े इवेंट मैनेजमेंट के आगे, मैं एक प्रतीक जी आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, आप ईमानदार पत्रकार हैं, आपका चैनल ईमानदारी से दिखा रहा है, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से गोदी मीडिया बने हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रचार को बिल्कुल सामने आने नहीं दिया और उसका प्रचार सामने आने दिया जिसके पीछे कॉर्पोरेट का पैसा लगा था। इस देश में अधिकतर चैनल अंबानी के हैं, क्या यह सत्य नहीं है? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दिन भर यदि आप जनता के दिमाग में यह डालोगे कि यह आदमी सही है और सामने वाले के इमेज बिल्डिंग को खराब करोगे तो निश्चित तौर पर उसका असर जनता पर पड़ता है। मतलब आप ये मानते हो कि जो हार हुई है उसमें कांग्रेस की कहीं कोई कमियां नहीं? नहीं, कांग्रेस की तो कमियां मैं कितनी बार गिनाऊं, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस अपना चिंतन करेगी। इवेंट ने हरा दिया, सेना ने हरा दिया। लेकिन प्रतीक जी, केवल कांग्रेस की कमियों के कारण कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही है, इसमें इस प्रकार के माइक्रो लेवल मैनेजमेंट और बड़े मैनेजमेंट का फर्क पड़ा है। तो कि राहुल गांधी को लोगों ने नकार दिया, राहुल गांधी कलेक्ट ही नहीं कर पाए हिंदुस्तान का जनता को। राहुल गांधी सरकार लेके आया है 4 महीने पहले, राहुल मैंने कहा ना आपको कि तात्कालिक कारणों का फर्क पड़ा है। 4 महीने पहले वही जो नीलाभ भाई कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की कुल मिलाकर 200 सीटें नहीं आई, जिनका एक राज्य में वो दावा कर रहे थे, तो इतने लोकप्रिय हो गए। मैं कहता हूं तात्कालिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जा सकता है। तात्कालिक मुद्दा किसान कर्ज माफी भी जीत लिया 3 राज्यों को, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तात्कालिक मुद्दा नहीं था, हमारे सब मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है और हमने अपने 76 दिन में 83 वचनों को पूरा किया है मध्य प्रदेश। 83 हम झूठ नहीं बोलते, 83 वचन पूरा करने के बाद जनता ने आपको पुरस्कार क्या दिया देख लो। तो मैं आपको कह तो रहा हूं कि तात्कालिक मुद्दा था, 211 पे हार गए। जनता को भी अपनी गलती का एहसास होगा, देर सवेर मैं कह रहा हूं। ये तो शिवराज भी कह रहा है कि जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं तो शिवराज जी कह रहे हैं तो क्या हमें ये कहने का हक नहीं है? लोकतंत्र में हमें भी ये कहने का हक है। ये तो हमें भी ये कहने का हक है। शिवराज तो कह रहे हैं कि हो गया जनता को अपनी गलती का एहसास, वो तो अभी होगा ना, अभी होगा। कि आप 5 मोदी जी की उपलब्धियां बताएं, आप नहीं बता पाए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूं मोदी जी का, मैं भाजपा का प्रवक्ता थोड़ी हूं कि लोगों की उपलब्धियां बताऊंगा। मैं फिर भी आपसे, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आप हर चीज जानते हैं, तो मैं आपसे सर मैंने आपकी बात मान ली, चलो उन्होंने कोई काम नहीं किया, आप बता सकते हैं बड़े कोई काम नहीं किया। नीलाभ जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह का उन्होंने जितने भी वैश्विक सूचकांक का शोर लेके सेना को सामने खड़ा करके पूरे माहौल क्रिएट करके और मीडिया को साथ में बिठा के जो क्रिएट किया गया, नीलाभ जी उन्होंने चुनाव जीता। वैश्विक सूचकांक जितने आए उसमें मोदी सरकार को क्या रिपोर्ट्स मिली? आपने देखा हर जगह, जब NSSO की रिपोर्ट जारी हुई, भारतीय संस्था की रिपोर्ट देखिए, उसको दबाने की कोशिश की, सोशल मीडिया में वो जारी हुई, 4,70,00,000 रोजगार चले गए बजाय इसके कि 10 करोड़ नए रोजगार आते। और खुद स्वयं मुरली मनोहर जोशी ने 2014 का जो घोषणा पत्र तैयार किया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को शून्य अंक दूंगा। इंदौर में कह गए थे कि लिखा ही नहीं तो कॉपी में नंबर क्या दूं, वही कह रहा हूं मैं। तो इसके बाद भी अगर मोदी जी ने ये इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा ये प्रतियोगिता जीती है तो मैं कहता हूं कि जनता को अपनी भूल का एहसास होगा। उन्होंने कहा था जब नोटबंदी की थी कि इसके बाद में आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, उसका 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए और 16 जवान गढ़चिरौली में नक्सलवाद से शहीद हुए, तो कहां गया इनका आतंकवाद और उनको आपके संगठन का फेल्यूर कहीं नहीं है। जो आपके आपके जो मंत्री उनके बूथ पर आप हार रहे हो, आपके मंत्री जो है अपने नेताओं की चाकरी करने के लिए घूम रहे हैं, एक मंत्री जो है अपने क्षेत्र में नहीं है, कमलनाथ जी चेतावनी दे रहे हैं सार्वजनिक रूप से, वो एक बड़ा कारण नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम तो अपनी हार के कारणों पर आपके कार्यकर्ता जो है वहाँ टेबलों पे नहीं है, मौजूद नहीं है, बूथ पर आपका संगठन का काम नहीं है, उनका पूरा संगठन लगा हुआ है सामने वालों का। ये कहना गलत है कि हमारा कार्यकर्ता बूथ पर नहीं था। मैंने कहा ना कि छद्म राष्ट्रवाद की खोल के पीछे मोदी जी अपनी विफलताओं को छिपा गए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस ने भी 4 महीने पहले ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, लेकिन ठीक है, जनता ने भी जो फैसला दिया वो शिरोधार्य है। अब कांग्रेस हम देश की जनता से और भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि देश लोकतंत्र बना रहे, तानाशाही की तरफ न जाए, तुगलकशाही और हिटलरशाही की तरफ न जाए, निश्चित रहिए देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। और देश को जब शुभकामना मैं भी देता हूँ, जब देश में लोकतंत्र कायम रहे, किसी ने हड़पने की कोशिश की है, इस देश की जनता ने, आम आदमी ने, मजलूम ने, गरीब ने, मजदूर ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए। और मैं तो यही प्रार्थना ही तो कर रहा हूँ ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी प्रार्थना की देश में लोकतंत्र कायम रहे। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष ढूंढिए, आप तैयार नहीं हो। आपके सारे बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं साहब आप ही बने रहो, हार जीत होती रहती है, इसमें क्या करना। एक आदमी कह रहा है कि भाई हमारे परिवार से बाहर नेतृत्व ढूंढिए। नहीं तो
सर्वमान्य नेता और कितने ही लोकप्रिय हैं, सर्वमान्य वो, उनने कहा कि मैं लगातार हार रहा हूँ, इसलिए जनता मुझे ठुकरा रही है। आप नए नेता क्या गलत कर रहा हूँ, उसकी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूँ। पांच स्टेट में सरकारें जो बनी, राहुल गांधी की ईमानदारी को सैल्यूट करता हूँ, उनकी मेहनत को इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा में उन्होंने खूब मेहनत करी है, उसका सम्मान है सर। वो खुद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इन चालों में कांग्रेस फंसने वाली नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की चाल बिल्कुल चाल है। राहुल जी कह रहे हैं ये तो नहीं, राहुल जी तो इसलिए कह रहे हैं कि वो हार के बाद में उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प अभी भी राहुल गांधी है, हम जानते हैं। इतनी विकल्पहीनता है, नहीं विकल्पहीनता क्यों है? एक चुनाव हारने से कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि टोटल फेलियर हो गया। 77 में इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी और 80 में प्रचंड लहर से वापस आई है। प्रतीक जी आपको इतिहास तो पता ही है, सुनिए मेरी बात सुनिए। 1982 में एक लड़का बूथ संभालता था, एक लड़का 1982 में 1818 और 1937 साल वो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपके पास ऐसा उदाहरण है कि जो आदमी 37 साल पहले बूथ संभालता हो हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? सीताराम केसरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रतीक जी। वो सेवा दल में बैंड बजाने का काम करते थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उदाहरण हमारे पास उनके, बहुत है। उनके बाद उनकी दुर्गति क्या हुई? नहीं ठीक है ना, दुर्गति की बात आप दुर्गति क्या हुई ठीक है, मीडिया परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सर, या नहीं बने? सर मैंने फोटो देखा है, टांगा टोली करके बाहर फेंकते हुए उनको। तो ठीक है ना, अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस अध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं उनका अभी भविष्य का फैसला हुआ नहीं है। आगे हम देखेंगे कि दुर्गति होती है सदगति होती है, ये भी देश देखेगा, ये भी देश देखेगा। आपको क्या तकलीफ है राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार करने? आज हमारे पास सर्वमान्य सबसे लोकप्रिय नेता राहुल जी, लोकप्रिय नेता है, लेकिन पार्टी और कार्य समिति और देश के कार्यकर्ता तय करेंगे कि राहुल जी अध्यक्ष बने रहे हैं। मंशा में आपको उनकी अच्छी मंशा को आपने नहीं माना। देखिए कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला हुआ है, उन्होंने अपना नैतिक दायित्व था कि वो चुनाव हारे, उन्होंने कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं? तो राहुल जी का आदमी खुल के कह रहा है कि मैं नहीं मानता कांग्रेस में लोकतंत्र क्या होता है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र होता तो पार्टी की इतनी बुरी गत नहीं होती। पार्टी की जो बुरी गत नहीं हुई क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये चुनाव इवेंट था, इसको आप अच्छे जानते हैं। आप पांच उपलब्धियां नहीं गिना पाए, जब किसी की विजय होती है नीला भाई ज्ञान चिंतन वाले पत्रकार उसके बाद पांच उपलब्धि नहीं बता पाया। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं, ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं जब किसी की प्रचंड विजय हो जाती है तब उसकी जो कमियां भी है ना वो अच्छाइयां नजर आने लगती हैं, और जब किसी की हार हो जाती है ना तो फिर यही राहुल गांधी जब 26 सीटें उत्तर प्रदेश में लाए थे तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया थे, लेकिन आज उनकी कमियां जब हो गई हैं तो सारी खामियां राहुल गांधी में नजर आ रही हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपको पता लगे अमेठी से चुनाव हार गए। हाँ बिल्कुल हार गए, तो उनको आज वो कितनी, देखिए मैं आप उससे ज्यादा ईमानदार, इंदिरा जी भी हारी थी 77 में, संजय गांधी भी हारे थे, क्या ईमानदारी उस आदमी की। संजय गांधी कह रहा है कि साहब मुझे हटाइए, ढूंढिए बाहर, वो कह रहा है कि साहब आप बच्चों के लिए टिकट मांगते हो इसलिए हार गए। वो इतना ईमानदार आदमी है, इतना सज्जन, इतना भला आदमी, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। हम भी लेकिन, लेकिन आप लोग उसको ईमानदार नहीं बने रहे। आप कह रहे नहीं साहब, आपने आपके सवाल का आपने खुद नहीं दे दिया है, इतना सज्जन इतना ईमानदार इसलिए उनको हटने नहीं देना चाहते। ये तो दूसरा ढूंढो ना, वो कह रहा है नहीं नहीं क्यों, कितने देखिए कितने चुनाव हारे, इतने सज्जन इतने ईमानदार, सब चुनाव हार गए, ऐसे स्वच्छ सभी के आदमी हम क्यों हटाएंगे। वो यूपी का चुनाव हार गए, हमारी महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, हमारी पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है। जिस दिन राहुल जी से बेहतर विकल्प पार्टी को हार गए, मेघालय हार गए, जिस दिन राहुल जी से बेहतर विकल्प पार्टी को मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा अध्यक्ष होगा। आपको जब आप जैसे लोगों के यही मानसिकता रही ना, तो राहुल से बेहतर विकल्प आपको तभी मिलेगा जब प्रियंका जी के लड़का बड़ा हो जाएगा। सिमला बहुत से विकल्प हैं, राहुल जी भी बेहतर, लेकिन राहुल जी के अंदर एक क्षमता है सभी लोगों साथ में लेकर चलने की क्षमता, इसलिए राहुल जी सबसे बेहतर विकल्प है कांग्रेस के। आपको लगता है कि अगर राहुल जी के अलावा और गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता आया तो पार्टी बिखर जाएगी, ये आपका कहने का मतलब नहीं? हम ये नहीं कह रहे, क्षमता सर्वमान्य हो चुकी है। जो मेहनत आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने तमाम जगहों पर सभाएं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उद्वेलित किया, लेकिन ये चुनाव में हार जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई, ये भी कहा मैंने। लाखों की भीड़ होती थी सभाओं में, लाखों की जबरदस्त रोड शो, वोट कहां है? जनता कहां है? जनता वोट कहां है? रोड शो में जबरदस्त है, वोट कहां है? जनता लोग के बीच लोकप्रिय, तभी तो जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वो तीन विधानसभा खंडवा की सभा करी, आप लाखों से हारे, लाखों से रोड शो करा, लाखों की भीड़ जनता की थी तो लाखों से हार गए। प्रियंका के रोड शो एक नंबर में हुआ, 1 लाख से हारे,
प्रियंका रोड शो 3 नंबर में हुआ 25,000 से आ रहे, प्रियंका का रोड शो 4 नंबर में हुआ 70,000 से आ रहे। एक भाई मैं फिर कह रहा, ये चुनाव चुनाव नहीं थे, कुछ और थे। चलिए फिर कह रहा, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस ईमानदार चिंतन करे, आत्ममंथन करे, दूसरों की सफलताओं पर ठीकरा डालने से या दूसरी की सफलताओं पर कमेंट करने पर काम नहीं होगा। कांग्रेस आपको कांग्रेस आत्मचिंतन कर रही है, आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, ईमानदार तरीके से सोचना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी सोच रहे हैं। मेहरबानी करके उसकी ईमानदारी का सम्मान कीजिए, तभी इस पार्टी का उद्धार होगा। वरना आप भले ही आपने 8 सीटें बढ़ा ली हैं, लेकिन स्थिति अभी भी खराब ही है, ये मानकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दर्शकों से बात की, शुक्रिया।